मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। चौदह मार्च 2018 ईशाया का ग्रंथ 48 बाब 8 पद से 15 पद तक। तुमने निश्चय ही उनके विषय में नहीं सुना, तुम उनके विषय में कुछ नहीं जानते, तुमसे उनके विषय में पहले से कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम विश्वासघात करते आ रहे हो और माता के गर्भ में ही विरोधी कहलाते हो। मैंने अपना क्रोध अपने नाम के कारण भड़कने नहीं दिया, मैंने अपने गौरव के कारण अपने पर निरंतरण रखा और तुम्हारा विनाश नहीं किया। देखो, मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परीक्षार किया, बल्कि मैंने विपत्त की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। मैंने अपने कारण ही यह किया, मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रधान नहीं करूंगा। याकूब, इसराइल, जिसे मैंने चुना है, मेरी बात सुनो, मैं वही हूं, प्रथम और अंतिम मैं ही हूं। मेरे हाथ ने पृथ्वी की स्थापना की, मेरे दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया, मेरे बुलाने पर वे प्रस्तुत हो जाते हैं। तुम सब एकत्र होकर मेरी बात सुनो, तुम्हारे देवताओं में से इसकी भविष्यवाणी की है कि ईश्वर का कृपा पात्र बाबुल और खेलोदियों की जाति के विरुद्ध उसकी इच्छा पूरी करेगा। मैंने ही ये कहा, मैंने उसको बुलाया, मैंने बुला भेजा और मैं उसे सफलता प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन की पवित्र अंजील 5:17-30 पद तक। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं।
अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया है, क्योंकि वे ना केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता। उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ ही गया है जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्र में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस की जय।